स्वागत है आपका CMP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपकी ट्रेनर धीरा सिंह और आज हम जानेंगे अपने इस सीरीज के सेकंड लास्ट मॉड्यूल के बारे में, जो कि है पेरेंट एज अ करियर प्लानर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए घर सबसे पहले सीखने की या गाइडेंस की जगह होती है, लेकिन बाद के दिनों में पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर प्लानिंग के लिए 40 मिनट देना भी ज़रूरी नहीं समझते, जिसकी वजह से उनके बच्चे को अगले 40 साल के लिए अपने करियर को बनाने के लिए जूझना पड़ता है। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के करियर को प्लान कर सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करियर प्लानिंग क्या है या उसके 5 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कौन से हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे वो हैं नो योरसेल्फ, जिसमें हम जानेंगे कि इननेट टैलेंट्स क्या होता है, कितने तरह के लर्निंग स्टाइल्स हैं और करियर असेसमेंट किसे कहते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज या नेटवर्क एलाइज, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से टूल्स की हेल्प से हम करियर चॉइसेस ले सकते हैं। रिसर्च और इंफॉर्मेशन इंटरव्यू किसे कहते हैं। थर्ड पॉइंट है डिसाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पाथ, जिसमें आप जानेंगे कि गोल्स क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे अरेंज करें, एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसे लें। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइज स्टडी या डेवलप स्किल्स, जिसमें प्रोग्रेस मीटर वाले स्टडी ऑर्गेनाइजर से कैसे आप स्टडी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इवैल्यूएशन या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, ये जानेंगे। पांचवा पॉइंट है गेन वर्क एक्सपीरियंस या क्रिएट करियर पोर्टफोलियो, जिसमें आप जानेंगे करियर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इंटरेस्ट या पर्सनालिटी के बारे में, डिग्रीज और सर्टिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस के बारे में, स्किल्स और एबिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वर्क एक्सपीरियंस, अवार्ड्स और ऑनर्स, रिसर्च, पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंस और रेफरेंस टेस्ट के बारे में। हमारा अगला सेक्शन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें आप जानेंगे कि फंडामेंटल स्किल्स क्या होती है, टीम वर्क किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं या नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में सोच सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड को या बिहेवियर को कैसे डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबली दूसरों के साथ अडैप्टिव नेचर में कैसे काम कर सकते हैं, कंटिन्यूसली किस तरह से सीख सकते हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट्स और टास्क में सेफली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि अगर पर्सनल मैनेजमेंट लेवल के करियर डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करें, तो इसमें पॉजिटिव सेल्फ इमेज को बिल्ड करना और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिवली और इफेक्टिवली इंटरैक्शन दूसरों के साथ होना बहुत ज़रूरी है और अपनी लाइफ में चेंज और ग्रो करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इस मॉड्यूल में जानेंगे कि किस तरह से वर्क एक्सप्लोरेशन और लर्निंग लेवल पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग में किस तरह से करियर गोल्स से सपोर्टिव डिसीजन लेना ज़रूरी है, इसके अलावा किस तरह से करियर इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली ढूंढें और यूज़ करें, और वर्क और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। लास्टली लाइफ या वर्क बिल्डिंग लेवल पर हम जानेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि किस तरह से वर्क मेंटेनेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप करियर इन्हांसिंग डिसीजन को ले सकते हैं, किस तरह से वर्क रोल्स को और लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि किसी भी करियर में आपका जॉब रोल भी चेंज हो सकता है, और किस तरह से अपने करियर को समझें, इंगेजिंग बनाएं और उसे मैनेज करें। अगला सेक्शन है एकेडमी स्टैंडर्ड्स, जिसमें आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में उसके करिकुलम के साथ जानेंगे। इसमें आप ये भी जानेंगे कि कोच बनने के क्या मायने हैं, किस तरह से एक पेरेंट घर पे अपने बच्चों से करियर प्लानिंग के बारे में या स्कूल में उनके टीचर से बात कर सकते हैं,
किस तरह से अपने बच्चों के गोल के लिए वो फंडिंग अरेंज कर सकते हैं या उनके लिए एक डायरेक्शन या पैशन ढूंढ सकते हैं, और किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से करियर के बारे में बात करने के लिए कौन सा समय सही रहेगा, करियर कॉन्वर्सेशन पॉइंटर्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस सेक्शन में इंक्लूडेड हैं। इस मॉड्यूल का जो लास्ट सेक्शन है उसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आप किस तरह से डॉजर्स को गाइड कर सकते हैं, टीनएजर्स को कैसे समझा जाए, किस तरह से पेरेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपने बच्चों के करियर प्लानिंग में, और रीसेंट ग्रेजुएट्स के पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की हेल्प करें।